हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा मिश्रा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आज की जोड़ी लेकर आए हैं भाई, सनातन धर्म जो है अरब देशों में भी अभी पहुंच चुका है, वहां पे भी भाई भजन गाए जा रहे हैं, वो ऐसी कुछ वीडियोस निकल कर सामने आ रही हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखेगा, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं छोटी सी हरी नारायण, अरबी अरबी गा रहे हैं। मेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना का, बोल राजा बोल संगा जय जय। मेरी मंकी गंगा, तेरी मंकी जमुना का, बोल राजा बोल संगा जय जय। राम चरण सुखदाई होय भजोरे, राम चरण जहाँ पूरी दुनिया में सनातन धर्म को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और इस्लाम धर्म को खुली छूट मिली हुई है, जहाँ इस्लाम धर्म के लिए कोई कानून नहीं है। यारी क्या है, लड़की को हमें देखो कैसे घसीट के लेके जा रहे हैं। सनातन धर्म के लिए सारे कानून बन रहे हैं। 80% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, हमारे देश को समाज को नफरत में बांटती है। लेकिन कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसे देखकर, जिसे सुनकर इस्लाम देश डर रहा है। भारत कथा महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिखोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वधाम, शब्द दिखोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानम् सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म संस्थापनाथाय संभवामि युगे युगे। जी हाँ, इस्लाम देश में इस्लाम धर्म खतरे में है, जहाँ लाखों मुसलमानों ने हिंदू धर्म को अपना लिया है। ये जानकारी इस्लाम धर्म के लिए खतरे की घंटी है, जहां पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को जितना दबाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू धर्म उतना ही तेजी से फैल रहा है। सारे विश्व में, सारी दुनिया में सनातन का डंका बज रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, जय जटाकटा संभ्रम अनन्य निर्जरे, लोल में चिवल्लरे विराजमान मूर्धनि। ऐसे ही अमेरिका ने दुनिया का सबसे बड़ा अक्षरधाम हिंदू मंदिर बनाकर पाकिस्तान के गाल पर थप्पड़ मारा है और भारतीयों के दिलों को जीत लिया है। जी हाँ, सनातन धर्म का प्रचार भारत से ज्यादा विदेशों में हो रहा है। ऐसे ही बहुत सारे अमेरिकन्स ने हिंदू धर्म अपनाकर सनातन के सत्य को स्वीकारा है। जहाँ एक ओर मुस्लिम देश
सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनकर तैयार हुआ और प्रमाण दिया हिंदूमय होने का। दोस्तों, कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसे आपका देखना बहुत जरूरी है। तो वीडियोस देखिए और आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि पूरी दुनिया में सनातन का परचम लहरा रहा है। मेरी मंकी गंगा, मेरी मंकी जमुना, और राधा बोल संगम। दोस्तों, आपने वीडियोस में देखा कि किस तरीके से मस्जिद के अंदर राम भजन और कृष्णा भजन चल रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? आखिर क्यों मुस्लिम लोग मिलकर भगवान राम की भक्ति कर रहे हैं, क्यों भजन गा रहे हैं कृष्णा के? तो हम आपको बता दें, कुरान में जो मार काट के बारे में लिखा है, उसे आज का पढ़ा लिखा मुस्लिम समाज स्वीकार नहीं कर पा रहा है। कुरान में दो कबीलों के बीच हुए लड़ाई का जिक्र है, कोई आध्यात्मिक उन्नति के बारे में बात नहीं की गई है, सिर्फ लूट मार सिखाती है, इसलिए तमाम लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं। दूसरा कारण है इस्लाम में बढ़ते कट्टरपंथी सोच। जी हाँ, लोगों को मारना काटना, नफरत करना, दूसरे धर्मों से घृणा करना, केवल इस्लाम को ही मानना, बाकी को काफिर घोषित कर देना, ये सबसे बड़ा कारण है। तीसरा कारण है महिलाओं का सम्मान न होना। मुस्लिम समाज में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। जैसे सनातन में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है, उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है, उन्हें देवी समझा जाता है, लेकिन इस्लाम में इस तरह का कोई कानून नहीं है। जी हाँ, महिलाओं को तो बंदिशों में रखा जाता है, उन्हें हमेशा बुरकों में रखा जाता है, यहाँ तक कि वो अपना चेहरा भी बाहर नहीं दिखा सकती, वो किसी गैर पुरुष से बात नहीं कर सकती, ऊपर से तीन तलाक का डर, अगर कुछ गलत सही हो गया तो हमेशा उन्हें तीन बार तलाक तलाक कह देते हैं और उन्हें अपने जीवन से निकाल देते हैं। फिर मैं चली भी जाऊं तो क्या फायदा, फिर हलाला करके मुझे छोड़ दे, फिर हलाला हलाला क्या हो, हमें तो हम क्या बेस्या है, जो हम हलाला पे रहेंगे क्या हमारी इज्जत नहीं है। अगर उनके जीवन में फिर से वापस आना है तो एक और घटना, उसके बारे में आप सभी जानते हैं। मेरी शादी सन 2009 में हुई थी और उन लोगों ने ये बहाना रखा कि मुझे दो साल तक औलाद नहीं हो, उसके बाद मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया, उसके बाद में वो बोले कि ना ये बात घर में रखी गई, फिर मेरे ससुर के साथ मेरा हलाला किया गया, उसके बाद में फिर उन्होंने मुझसे निकाह किया, उसके बाद में फिर उन्होंने मैं सन 2017 में फिर से डिवोर्स दे दिया, ससुर ने मुझसे निकाह किया, तो इस हिसाब से मैं अपने शौहर की माँ बन गई। और क्या नाम, फिर से मेरे शौहर ने मुझे छोड़ा, फिर अपने भाई के लिए रिश्ता बनाने के लिए, तो मैं उनकी भाभी बन जाऊँ, तो इस तरह से मेरे साथ मजाक हो रहा है कि कब मैं उनकी माँ बन जाऊँ, भाभी बन जाऊँ, बीवी बन जाऊँ, तो यही सब चलता रहेगा। चौथा सबसे बड़ा कारण है लड़के और लड़कियों में बहुत बड़ा भेदभाव। जी हाँ, लड़कियों को पूरी बंदिश में रखा जाता है, हमेशा बुरके में रखा जाता है, कहीं भी अकेले नहीं भेजा जाता है, वहीं लड़कों को पूरी छूट दी जाती है, अगर वो कोई गलत कार्य भी करते हैं तो उनका सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, आपने बीते दिनों देखा होगा कि बहुत सारे मुस्लिम लड़कों ने हिंदू लड़कियों को फंसा कर उनकी हत्या कर दी। बताइए, इस तरह की कट्टरपंथी सोच उनके पास आती कहाँ से है और इस तरह की हैवानियत वो सीखते कहाँ से हैं? जी हाँ, वो सीखते हैं अपने धर्म से। और यही कारण है कि बहुत सारे जाने माने मुस्लिम लोग अपने धर्म को परिवर्तन कर वापस अपने घर वापसी कर रहे हैं। हिंदू भाई आपस में एक मोहब्बत, एक व्यवहार देना, और जो मुसलमान में ये नहीं है उनमें कट्टरता है, आतंकवादीपन है, और हिंदू भाई को, सनातन धर्म भाई को काफिर कहना और गलत कहना, ये सब उसमें गलत है। इस वजह से हम सनातन धर्म अपने पूर्वजों के धर्म में वापस आए। इससे पहले इंडोनेशिया के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति की पुत्री सुकामवती सुकोर्णो पुत्री ने इस्लाम छोड़कर विधिवत हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। बता,
और यही कारण है कि बहुत सारे जाने माने मुस्लिम लोग अपने धर्म को परिवर्तन कर वापस अपने घर वापसी कर रहे हैं। मेरा नाम साइमा बानू है, मैं मुस्लिम धर्म से हूँ और मैंने हिंदू लड़के से शादी की है आशुतोष औदिच्य से। और हम अभी मेरा नाम इशिता औदिच्य है, मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है। बीते दिनों वसीम रिजवी, जी हाँ, जिन्हें आप सभी जानते हैं, उन्होंने सनातन धर्म को ग्रहण कर लिया। मैंने त्यागा नहीं है, मुझको निकाला है। तुम रोज मेरी हत्या करने की साजिश करते हो, रोज मेरा सर काटने के हमको व्हाट्सएप भेजते हो, मैसेजेस भेजते हो, हर जुमे की नमाज के बाद मेरा पुतला फूंकते हो, हर जुमे की नमाज के बाद मेरा कटे हुए सर का जो इनाम तुमने घोषित किया उसको बढ़ाते हो। तो जब तुम ये ज़ारती हमारे साथ में कर रहे हो तो मैंने तो आईना दिखाने की कोशिश की थी, आपने समझने के बजाय मेरे दरवाजे ही बंद कर लिए। तो जब आपने दरवाजे बंद कर लिए, मेरा मर्जी है, मैंने सनातन धर्म कबूल कर लिया। मुस्लिम देशों में इस्लाम छोड़ने, उस पर विश्वास न रखने और इस्लामी मान्यताएं ठुकराने वाले मुसलमानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, आजकल आप फिलिस्तीन और हमास का नाम समाचार में रोज सुन रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि हमास का सदस्य रहा है। फिलिस्तीन में जन्मे हसन मुसाब यूसुफ ने अपने जीवन का एक लंबा समय कुख्यात इस्लामिक आतंकवादी संगठन हमास के लिए काम करते हुए बिताया है। उसने अपनी आत्मकथा लिखी है, सन ऑफ हमास। इसमें उसने बताया है कि उसके पिता हमास के संस्थापक सदस्य थे, इसलिए इस्लाम के लिए जिहाद करना उसे विरासत में मिला था। अपने प्रारंभिक जीवन में उसे इस बात पर गर्व भी था, किंतु धीरे धीरे कुरान से और उसमें उसकी इबादत की जाती है उस अल्लाह से हसन मुसाब यूसुफ का विश्वास उठने लगा। परिणाम स्वरूप उसने इस्लाम को त्याग दिया। उसके इस्लाम छोड़ने से इस्लाम के दुकानदारों में खलबली मच गई है। आज वह कहता है, ये थी आज की वीडियो। तो भाई देखा ही आपने इस वीडियो में कि भाई बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि मतलब होता है ना कि फोर्सफुली किसी का कन्वर्जन करवा देते हैं कि भाई आप ये, अगर वो कोई हिंदू है तो उसको मुस्लिम बनाने की कोशिश करते हैं। खास तौर पे लड़कियां, मैंने यहाँ पे ना पाकिस्तान में देखा है कि इलाका वहां पे ना इस तरह से जो लड़के हैं वो जबरदस्ती उनका, तो ये मैं तो हमेशा इस चीज के खिलाफ हूँ कि किसी की मर्जी के खिलाफ उसका इस तरह से कन्वर्जन करवाना बहुत ही ज्यादा ना एक घटिया हरकत है कि आप किसी को आप उसके मजहब से अलग कर दो, चाहे वो कोई भी मजहब का इंसान क्यों ना हो, लेकिन उसको अपने मजहब में जबरदस्ती से लाना बहुत ही ज्यादा गलत है। और कोई आपके मजहब में अपनी मर्जी से आना चाहे तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन जबरदस्ती उसको ना फोर्सफुली उसके साथ शादी करने के लिए उसका इस तरह से करवाना, फिर उसको मजाक उसका बनाना, और जैसे इस वीडियो में दिखाया एक लड़की थी उसको बालों से घसीट के लेके जाया जा रहा था, ये चीजें बहुत ज्यादा ना गलत है। इनको तो मैं तो कभी भी सपोर्ट नहीं करती इन चीज को, चाहे वो कोई भी मजहब का। और मैं तो मानती हूँ कि ऐसा इंसान ना किसी भी मजहब से हमें ताल्लुक नहीं रखता। कोई भी मजहब आपको ये नहीं सिखाता कि आप फीमेल के साथ इस तरह से घटिया जानवरों जैसा सलूक, जानवर भी इज्जत के हकदार है, उनके साथ नहीं लोग आजकल करते, तो आप तो फिर एक इंसान के साथ पता नहीं एक हवानों की तरह सलूक करे जिसको कोई फीलिंग्स नहीं है, कुछ नहीं है, उसकी इज्जत नहीं है माशरे में। इस तरह से आजकल तो दौर ऐसा है कि फीमेल्स मेल सब एक दूसरे के मुकाबले में है, कोई भी आप ये नहीं बोल सकते हाँ। वो एक मेल है तो वो फीमेल से ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों की सोच अभी भी घटिया की घटिया ही है और उनकी शायद रहेगी भी घटिया ही, तो उनको कोई हक नहीं बनता कि वो फीमेल्स के साथ इस तरह से बिहेवियर करें, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों का ना एतबार जो होता है वो मजहब से उठता जाता है, तो वो फिर इस तरह से आपको पता है कि हरकते करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों का तो कोई दीन मान नहीं होता कि वो दहशतगर्दी में शामिल हो या फिर कुछ भी होता है ना, तो कोई भी मजहब का नाम बदनाम करने की कोशिश एक उनकी होती है और कोई बात नहीं है। तो ऐसे लोगों की बातों में आना नहीं चाहिए और ना ही ऐसे लोगों को कभी भी सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे लोगों को तो ऐसी सजा देनी चाहिए कि जिसको बना भी ना कर सके, ऐसी सजा उनको दी जाए जो दूसरी लड़कियों और लड़कों के साथ इस तरह से बिहेवियर करते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। तो आपकी क्या राय है इस हवाले से प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिर आपको मिलता है कौन भी।